जब सर पे होती है जिंदगी की कीमत तुम समझ और जब सर पे होती है जिंदगी की कीमत तुम समझ में आती है। आपके सोने का कैरेक्टर हमारे कैरेक्टर खराब नहीं आपके सोने का कैरेक्टर हमारे कैरेक्टर खराब नहीं कर सकता। क्या पुरानी मूवी की ही कहानी कर रहे हैं अजय रिपीट? क्या डिफरेंट होगा दृश्यम और भोला में? सेम रोल रिपीट करके कैसे टिकेंगे अजय? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 2015 में आई अजय देवगन की मूवी दृश्यम तो आप सबको याद ही होगी। इस मूवी ने रिलीज होते ही बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली थी। सोर्सेज के मुताबिक ये मूवी अजय देवगन की आज तक की बेस्ट मूवीज में भी काउंट की जाती है। लेकिन हम आपको ये क्यों बता रहे हैं? दरअसल 2023 में अजय देवगन की मूवी भोला आने वाली है। सुनने में आ रहा है कि ये मूवी दृश्यम से कहीं ना कहीं सिमिलर होने वाली है। ये इसीलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि दोनों मूवीज में अजय का रोल ऑलमोस्ट सेम ही है, जो कि एक बाप का और अपनी बेटी को बचाने के लिए हर जतन करते हुए दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पर आके दोनों मूवीज के प्लॉट थोड़े डिफरेंट करते हैं, क्योंकि दृश्यम में अजय अपनी बेटी की गलती छुपाकर उसे बचा रहा होता है, वहीं दूसरी ओर भोला में अजय अपनी बेटी को किडनैपिंग से चुराने के लिए हर कोशिश करते हुए दिखाई जाएंगे। हालांकि इस मूवी में हमें अजय की वही फादर वाली फिगर तो दिखेगी ही, लेकिन साथ ही साथ हमें उनका वो गैंगस्टर वाला रूप भी देखने को मिलने वाला है। मतलब इस आने वाली मूवी में हमें कुछ वैसा मैजिक दिखेगा जो वंस अपॉन अ टाइम इन अ मुंबई में देखने को मिला था। इवन टाइम्स ऑफ इंडिया के भी एक आर्टिकल में ये बोला गया है कि वंस अपॉन अ टाइम इन अ मुंबई आज तक की बेस्ट गैंगस्टर मूवीज में काउंट की जाती है। अब अगर वापस भोला पर आए तो स्टोरी के मुताबिक अजय काफी टाइम जेल में रह कर आते हैं और फिर उनकी बेटी की किडनैपिंग के बाद उसे ढूंढने के लिए वो फिर से अपने उसी अवतार में वापस आ जाएंगे और करेंगे किडनैपर्स की छुट्टी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अजय अपनी मूवी दृश्यम का कॉन्सेप्ट इस वजह से भी रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये मूवी अपने टाइम पर काफ़ी हिट हुई थी, और अब क्योंकि अजय आउट ऑफ आइडियाज़ हैं इसीलिए वो यही आइडिया कहीं ना कहीं रिपीट करना चाह रहे हैं। फिलहाल अब असली बात तो मूवी आने पर ही पता चलेगा, पर तब तक के लिए आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए हम रोज़ हाजिर होंगे। और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। पर ये सब करने से पहले आपको फटाफट देखना होगा आज का वीडियो और पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर भी करना होगा। धन्यवाद।